आज मैं आप लोगों को पनीर मसाला की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसे मैंने एकदम ढाबे के जैसा बनाना बताया है। इसे बनाने के लिए 30 से 35 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पनीर मसाला। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर को इस शेप में काट लिया है। आप अपने हिसाब से पनीर को छोटा बड़ा काट लें। अब हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर। ये सारे सूखे मसाले टोटल हाफ टी स्पून जितना होगा। अब इन सबको इस तरह टॉस करते हुए मिक्स करना है। ध्यान रखें कि यहाँ पर आप चम्मच या फिर हाथों का यूज़ ना करें। इस तरह टॉस करते हुए ये मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। इस तरह मिला दें फिर से और इसको 5 मिनट तक रख दें। अब एक कढ़ाई गर्म करेंगे और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल और साथ ही में डालेंगे 1/2 टीस्पून बटर। इन दोनों को मिक्स करके इस तरह फैला देंगे। फैलाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पनीर। पनीर को भी फैला देंगे थोड़ा सा और इसको लगातार टॉस करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए ब्राउन कर लेंगे। फिर एक बार टॉस करेंगे। तो देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का ब्राउन कलर आ गया है। बस अब ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही करना है। अब इसको साइड रख देंगे। अब एक और कढ़ाई गर्म कर लेंगे। आप चाहे तो वही वाला कढ़ाई फिर से यूज़ कर सकते हैं पनीर को निकाल के। अब हम इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून ऑयल और इसमें साथ ही में डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर। इन दोनों को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची, 3 लौंग। थोड़ा पकने के बाद इसमें हम डालेंगे जीरा। तो जीरा जैसे ही चटक जाए इसमें अब हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज को आप देखें मैं कितना बारीक काटी हूँ, इसी तरह आपको बारीक प्याज काटना है। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का प्याज है। प्याज को डालने के बाद इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जैसे कि हल्का गुलाबी हो जाए। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 हरी मिर्चें जिनको मैंने बीच से चीरा लगा दिया है। साथ ही में 3 टेबल स्पून बारीक घिसा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। अब इन सबको हम 2 से 2.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को मीडियम हाई रखें। ये देखिए 2 से 2.5 मिनट के बाद ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम गोल मिर्च का पाउडर। इन सबको मिला देंगे इसमें और इसमें 3-4 चम्मच पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब इन सबको भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए ये तेल ऊपर छोड़ रहा है, मतलब ये भून गए हैं मसाले। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मैंने दरदरा पीस के लिया है। टमाटर को 1-1.5 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम को यहाँ मीडियम से लो रखें।
अब इसको हम ढक देंगे और ढककर 5 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर भी अच्छे से पक गया है पूरे मसाले के साथ, ऊपर में तेल छोड़ चुका है, तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा ये टमाटर हो गया है। इसको फिर से एक दो बार मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सत्तू का। तो यहाँ पर आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो बेसन को पहले ड्राई रोस्ट कर ले फिर यूज़ कीजिएगा। सत्तू या बेसन डालना बहुत ज़रूरी है, इससे ग्रेवी में पानी नहीं छूटेगा। ढाबे में ये अक्सर यूज़ किया जाता है। इसको भी मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे इसमें। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक स्वाद के अनुसार ऐड करें, ध्यान रहे पनीर में भी हमने नमक डाला है पहले। इसे भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास भरकर पानी, मिक्स करेंगे, बाकी बचा हुआ डालेंगे। तो यहाँ पर पानी आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर कम ना करें क्योंकि अभी पनीर को भी पकाना है हमें। अब इसको हम ढककर पकाएंगे जब तक कि इसमें बुलबुला ना आ जाए। तो ये देखिए इसमें बुलबुले आना स्टार्ट हो गया है। इसे फिर से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर जो हमने फ्राई करके रखा था। इसे भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला का पाउडर। इसे भी मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक देंगे और 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर से खोलेंगे ढक्कन को। ये देखिए ये पक रहा है। तो अब यहाँ पर फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम में यहाँ पर हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ा हाथ से घंस लें। आप कसूरी मेथी को भी मिक्स कर देंगे इसमें। अब इसको भी हम ढक देंगे और ढकने के बाद फिर से 1 मिनट और पकाएंगे। 1 मिनट के बाद फिर खोलेंगे तो देख सकते हैं ऊपर पूरा ऑयल छोड़ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में कटी हुई धनिया की पत्ती। अब इसको हम ढक देंगे। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ढका हुआ ही 4-5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे सर्व कर लेंगे 4-5 मिनट के बाद। तो ये देखिए मैंने इसे सर्व कर दिया है, ये रेडी हो गया है।